होश में आओ। प्रदेश भाजपा की युवा विंग प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। प्रदेश युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया। कोरोना काल में इस प्रदर्शन की अनुमति भी ली गई थी, मात्र 3 लोगों को इसकी अनुमति दी गई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारी राहुल हरतवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के पूर्व बेरोजगारों को 2,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया। युवा मोर्चा का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के साथ छल किया है। दीनदयाल उपाध्याय नगर के पासपोर्ट ऑफिस के पास हुए इस प्रदर्शन में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के पुतले को आग लगाने की कोशिश की। मौजूद पुलिस कर्मियों ने पुतले को छीनने का प्रयास किया। इस प्रयास में मुख्यमंत्री का पुतला 2 भागों में बट गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हाथ में कुछ अंश ही आया, जिसे बाद में उन्होंने आग लगाकर अपना उद्देश्य पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर। देखिए, भारतीय जनता प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस सरकार का 3,000 पुतला फूंका गया है। भूपेश सरकार से, जो कि पूरी भैरी हो चुकी है, ये आह्वान करते हैं कि जिस नारे के साथ वो सरकार में आए थे कि बेरोजगारों को, युवाओं को 2,500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसका आज पूरा युवा मोर्चा प्रदेश भर में विरोध कर रही है कि आपने वो झूठा वादा युवाओं से क्यों किया। आप उन बेरोजगारों के साथ छल करना बंद करिए। और उसका उदाहरण है कि धमतरी का युवा मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह का प्रयास करता है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। मानसिक स्थिति उस युवा की खराब नहीं हुई है, आपकी सरकार की खराब हो गई है। और युवा मोर्चा हर युवा की लड़ाई पूरे प्रदेश स्तर पर हमेशा लड़ता रहेगा, चाहे शासन हमको कितना भी दबा ले। आपने देखा है, 3 लोगों की हमको अनुमति दी गई थी और 15 यहाँ पर शासन के लोग खड़े हैं हमारे युवा मोर्चा को दबाने के लिए। युवा मोर्चा प्रदेश की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई लड़ता रहेगा। सरकार पे इसका इतना दबाव है कि आप एक सरकार जो कि लोकतंत्र का विपक्ष एक अहम हिस्सा होता है और विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का लोकतंत्र में अधिकार है, सरकार ने उस अधिकार को ही ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया है कि कोई भी विपक्षी अपनी आवाज़ को ना उठा सके। आप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं कि हमारे सिर्फ 3 कार्यकर्ताओं को अनुमति दी गई है और 20 जगह से हमको घेर लिया गया है। ये सरकार पर दबाव नहीं तो और क्या है। सरकार पूरी तरह युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन से प्रदेश स्तर में जो पुतला फूंका गया है उससे दबाव में है और निश्चित ही तौर पर यह उसका प्रमाण है। मैं राहुल हरितवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला पदाधिकारी।